हे गाइस, कैसे हो यार। आज मैं बात कर रहा हूँ मर्डर मिस्ट्री के बारे में। अब नाम सुन के ही तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि ये मूवी किस बारे में। बेसिकली मूवी मैंने इसलिए देखी थी क्योंकि मुझे यार थ्रिलर मूवीज बहुत ज्यादा पसंद है, बट मैं ना थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया इस मूवी से क्योंकि वो इतनी ज्यादा थ्रिलर है नहीं। बेसिकली ये मूवी मैंने इसलिए देखी क्योंकि मुझे यार बहुत सारे सजेशन आ रहे थे इस मूवी के लिए इंस्टाग्राम पे। मैंने सोचा कि चलो यार इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं, हो सकता है थोड़ी सी बेटर हो मूवी। ऑनेस्टली मैं कोई इतना बड़ा एडम सैंडलर का फैन नहीं हूँ, इसलिए मूवी मैंने स्किप कर दी थी। बट ये मूवी देखने के बाद मुझे लगा यार कि ये मूवी ने थोड़ी सी स्मार्टनेस तो दिखाई है। जो मेन लीड में जो कपल रहता है, एक तो एडम सैंडलर और दूसरी जेनिफर एनिस्टन, दोनों की ना इंडिविजुअली भी कॉमेडी टाइमिंग्स बहुत अच्छी हैं, एंड साथ में जब वो आते हैं तो स्क्रीन में बहुत ज्यादा लाफ्टर देखने को मिलता है। बहुत एक बिलीवेबल सी स्टोरी थी उनकी, मतलब देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यार वो एक फेक कपल है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें देख के ऐसा लगता है कि इनकी स्टोरी बिलीवेबल नहीं है, बट ये लोग बहुत ज्यादा नेचुरल रहते हैं। ओवरऑल जो ये प्लॉट रहता है वो एक लाइट हार्टेड मर्डर मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी को तुम आराम से अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। इसमें जो फैमिली रहती है उनका सरनेम रहता है स्पिट्स। तो ये जो स्पिट्स फैमिली है वो पिछले 15 साल से हनीमून पे नहीं गई रहती है। तो वो लोग अब प्लान बनाते हैं कि वो लोग हनीमून पे जाएंगे यूरोप। तो जब वो हनीमून पे जा रहे होते हैं तो प्लेन में उनको एक आदमी मिलता है जो कि बहुत ज्यादा रिच रहता है। वो उनको अपने क्रूज शिप में इनवाइट करता है एंड वो मान भी जाता है और वहां चले जाते हैं। थोड़ा सा इलॉजिकल सीन था सीन्स को कनेक्ट करने का, बट ठीक है, हम काम चला लेंगे। ऑल्सो ये जो स्पिट्स फैमिली रहती है वो बेसिकली न्यूयॉर्क में रहती है और वो एक टिपिकल वर्किंग फैमिली ही रहती है। ज्यादा अमीर भी नहीं रहते हैं वो लोग एंड वो एक प्रॉपर मिडिल क्लास फैमिली की तरह रहते हैं। जो हमारा हीरो है जिसका नाम रहता है निक स्पिट्स, वो NYPD में काम करता है एंड जो हीरोइन है वो बेसिकली एक हेयर ड्रेसर रहती है एंड उसको ना ऐसे मर्डर मिस्ट्री की बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद रहता है। और इनकी ना मैरिज लाइफ में भी बहुत ज्यादा ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स चलती रहती है, तो वो भी हम नोटिस कर पाते हैं। तो ये लोग चले जाते हैं क्रूज शिप पे उस आदमी के साथ एंड अनफॉर्चुनेटली वहां पे एक मर्डर हो जाता है। तो ना सारा इल्जाम जो है वो स्पिट्स फैमिली के ऊपर ही आ जाता है क्योंकि यही दो लोग अलग है जिनको कोई नहीं जानता था, ये लोग एकदम से आए थे एंड उसी टाइम मर्डर हो गया। अब उनको अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना है तो वो लोग खुद मिलके, दोनों जो पति पत्नी वो दोनों मिलके केस सॉल्व करते हैं। यही है बेसिक चीज मूवी के लिए। पर मूवी में कुछ चीजें नोटिस करने लायक है, जैसे कि वहां की लोकेशंस वो बहुत ज्यादा सुंदर है एंड जो कपल रहता है मूवी में उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, तो वो एक अच्छी चीज थी नोटिस करने के लिए। पर ना मूवी में ज्यादा कुछ लॉजिक है नहीं। मतलब तुम लॉजिकली देखो यार कि अगर कहीं पे मर्डर हुआ है तो तुम इतने लाइटली चीजों को नहीं लोगे। इसमें बहुत ज्यादा लाइटली लिया गया हर चीज को। मतलब उन्होंने बिल्कुल भी थ्रिल, सस्पेंस, मिस्ट्री ज्यादा दिखाने की कोशिश नहीं की है, बहुत ही लाइट हार्टेड ऐसे चलने की कोशिश की है। मतलब बंदा देख के हंस रहा है और हंसते हंसते उसके केस सॉल्व हो जा रहे हैं, बस इतना ही था मूवी में, कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग था नहीं। तुम्हारे पास अगर बहुत ज्यादा टाइम है ना, तुम बहुत ज्यादा वेले हो, तो तुम इस मूवी को जरूर देख सकते हो। ये एक इंजॉयबल कॉमेडी सस्पेंस फ्लिक मूवी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। एंड मुझे नहीं पता है मूवी अगर बॉक्स ऑफिस पे रिलीज भी हुई है कि नहीं, पर इसने नेटफ्लिक्स पे तो थोड़ा बहुत काम चला लिया है। पर अगर बॉक्स ऑफिस पे अगर ये मूवी रिलीज होती तो शायद ये मूवी पिट जाती। ये मूवी ज्यादा नहीं, ये बस एक छोटे से एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही है और मैं इस मूवी को रेट कर रहा हूँ 5.5 स्टार्स आउट ऑफ 10। सच्ची बताऊं तो इस वीडियो में मेरे पास कुछ ज्यादा बोलने को है नहीं क्योंकि इस मूवी में कुछ ज्यादा शो करने को भी नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट तुम्हें मूवी के बारे में चीजें बता दी हैं, इससे ज्यादा तुम कुछ मूवी में एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते और तुम्हें दिखेगा भी नहीं। सो यार ये एक सजेशन है बस, मतलब इस मूवी को मैं रिकमेंड तो नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुम चाहते हो तुम्हें इस मूवी को देखना है तो तुम देख सकते हो। ऑल्सो यार तुमने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार फटाफट सब्सक्राइब कर दो। मैं देख रहा हूँ यार जितने ज्यादा व्यूज आ रहे हैं मेरे चैनल पे, मैक्सिमम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।